वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के निजाम में बेहतरी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, हर साल मिली भगत से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली बिलों में हेरा फेरी दूर करना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाले निजाम को तब्दील करना है। डिस्कॉस की कारकर्दगी बेहतर करके निजकारी की जाएगी। सी पैक पावर प्लांट को मकामी और दरामदी कोयले से चलाने के लिए चीन से बातचीत जारी है। हुकूमत की तमाम तवज्जो बिजली की कीमतों में कमी लाने पर है। इतना डाउनलोड हो रही है ना, ऑडियो जा रही है, अभी ये नहीं पता क्या ग्लिचेस की वजह है। रिलेटिव वगैरह बाहर रहते हैं तो उसमें मोस्टली बात है कि भाई बंदा इतना फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो फ़ोन पे बात करे उनसे, तो इस वजह से जो है ना सोशल मीडिया को यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें भी जो है ना वाईफाई ये सारी चीज़ें जो है ना बंद किया हुआ है, तो बड़ी परेशानियाँ हो जाती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये चीज़ तो बहुत हर एक इस्तेमाल किया है, इसको ज़रा कम अज़ कम इसको तो ठीक रखें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम तातुल का शिकार। सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। हुकाम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने की वजह से सर्विसेज में खलल हो सकता है। इंटरनेट सर्विसेज में मसाइल 30 अगस्त तक रहेंगे। वज़ीर-ए-आला ख़ैबर पख़्तूनख़्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मरियम नवाज रोजाना की बुनियाद पर टिकटॉक बनाती हैं। सिर्फ टिकटॉक बनाने से सूबे तरक्की नहीं करते, आम आदमी तो छोड़ें, सरकारी अफसरान भी टिकटॉक बनाने में मसरूफ हैं। पंजाब की कुछ ख़वातीन सिर्फ ख़ैबर पख़्तूनख़्वा पर तनकीद के लिए रखी गई। पंजाब हुकूमत आवाम के लिए कुछ काम करे जिससे फ़ायदा हो, सिर्फ टिकटॉक पर नहीं तरक्याती कामों पर तवज्जो होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को कौमी असेंबली की 3 नशस्तें मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 154 नोधरा से अब्दुल रहमान, NA 81 गुजरावाला से अजहर कयूम कामयाब करार। NA 89 गुजरावाला से नून लीग के उम्मीदवार जुल्फिकार भंडर की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। अपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलने पर इतफाक। PTI, JUI, जमात इस्लामी और तहफ़्फ़ुज़ आइन का मुश्तरक अजलास। मिनिस्टर गौहर, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई और लियाकत बलोच की शिरकत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों का मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा, अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत करने से बहुत नुकसान हुआ, तरक्की के लिए अमन और सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। नून लीग ने 2013 में विजन 2025 पेश किया, इस दौर में आलमी इदारे पाकिस्तान की तरक्की की गवाही दे रहे थे। तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल भी लाजमी है, पॉलिसियों के तसलसल से ही तरक्की के समरात हासिल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पावर सेक्टर और FPR की बहाली तरजीहात हैं। सनत और ज़रात को बहाल करना है तो पैदावार लागत कम करना होगी, जिसमें बिजली की कीमतों का बहुत बड़ा किरदार है। FPR की बहाली के बगैर ना तो मुल्क माली गुंजाइश निकलेगी और ना कौम आगे तरक्की कर सकेगी। काबीना से खिताब में कहा, क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आपको भी क्रेडिट मिलेगा। हमें 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज रात आज़ादी परेड का इनेकाद होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। PMA के कैडेट्स ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा करेंगे। शेखपुरा, साहिवाल, चिश्तियाँ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चिश्तियाँ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। साहिवाल में बादल बरसने से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। हारूनाबाद में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश, गर्मी और हब्स की छुट्टी। लाहौर, इस्लामाबाद, मानसहरा, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कल से तूफानी बारिशों की वार्निंग। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में शदीद बारिश का इम्कान। एबटाबाद, हरिपुर, बालाकोट, बोनेर, मरदान और मालाकंड में बादल बरसेंगे। योब, मूसाखेल, बारखान और खजदार में चंद मकाम पर बारिश मतवक़े। तूफानी बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा बिजली बिलों में रिलीफ के लिए बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे की भी मंजूरी। रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट क्लास ट्रेन की फिजिबिलिटी स्टडी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा मरी की सियाहती तरक्की के लिए ग्लास ट्रेन मेरा ख्वाब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया तो बाहर निकलेंगे, ताजर तंजीमों के साथ मिलकर पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे। हमारे पास एहतजाज के और भी ऑप्शंस हैं। ये 25 करोड़ अवाम का मसला है, अवाम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। FBR टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के बजाय करप्शन को बढ़ा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा पाकिस्तानियों को बिजली सस्ती मिलेगी तो सिर्फ थर से मिलेगी। थर से 11 रुपए और नूरियाबाद से 9 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। मंसूबे को नजरअंदाज करने वालों ने कौमी जुर्म किया, चाहते हैं आवाम को रिलीफ मिले। वफाकी हुकूमत से बिजली सस्ती करने का कहा है, उम्मीद है खुशखबरी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 38 पैसे फी लीटर कमी मतवक्के। डीजल 7 रुपये 70 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हतमी ऐलान 15 अगस्त को वज़ीरे आज़म की मंजूरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना जरूरी है। तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। BLF का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना शम्बीन उर्फ शहक हलाक। ज़राए के मुताबिक शम्बीन उर्फ शहक को BLF के अपने ही साथी ने मारा। शम्बीन कई दहशतगर्द कार्रवाइयों और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। दफाई माहरीन के मुताबिक शम्बीन की हलाकत से BLF की अंदरूनी दरारें खुलकर सामने आना शुरू हो गईं। भारत में ताबकारी मवाद के साथ गैंग की गिरफ्तारी। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा पाकिस्तान को भारत में रेडियो एक्टिव मवाद की गैर कानूनी फरोख्त के इतला पर शदीद तशवीश है। गुज़िश्ता माह भारत में एक ग्रोह से मुबैना तौर पर एटमी रिसर्च सेंटर से चुराई हुई रेडियो एक्टिव डिवाइस भी बरामद हुई। मस्तोंग में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच जा बहक, दो अफराद जख्मी। शहीद की कोयटा पुलिस लाइंस में नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। मस्तोंग में CTD कार्रवाई, वाकई में मुलव्वस 2 दहशतगर्द हलाक। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी, मजीद फोर्स तलब।